जरा सी लापरवाही, जरा सी लापरवाही एक घर, एक शहर, एक राज्य नहीं, हमारे पूरे देश के लिए भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना का जो हाल है, एक बड़ी चेतावनी है कि खतरा अभी टला नहीं है। सियासी उठापटक में घिरे महाराष्ट्र सरकार के सामने कोरोना एक बार फिर परीक्षा लेने के लिए खड़ा है। हालांकि ये सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि लोगों की भी परीक्षा की घड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 28,699 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 132 लोगों ने जान गंवाई है। अभी महाराष्ट्र में 2,16,540 एक्टिव केस हैं। पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे और नासिक सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। त्योहारों को देखते हुए सरकार और मुंबई में बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। निजी जगहों पर भी रिश्तेदारों के साथ होली खेलने पर रोक है। 28 मार्च की रात में शबे बारात पर जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए 40 से 50 लोगों को ही इजाजत होगी। नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के नियम का पालन करना होगा। शबे बारात पर संभव हो तो ऑनलाइन ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए पड़ोसी राज्य गुजरात ने भी महाराष्ट्र से आने वाले सारे लोगों की आरटीपीसीआर जांच के बाद ही एंट्री के आदेश दिए हैं। कोरोना कैपिटल बने महाराष्ट्र के बाद देश के कैपिटल दिल्ली की बात, जहां भी कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। 1,000 से ऊपर नए केसेस सामने आए हैं दिल्ली में। त्योहारों से पहले दिल्ली कोरोना के मामलों में एक बार फिर दिसंबर वाली स्थिति में पहुंच चुकी है। दौड़ती भागती दिल्ली में कोरोना के मामलों ने फिर कान खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,101 केस सामने आए हैं। 19 दिसंबर के बाद ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 4 लोगों की जान गई है। होली से पहले वायरस के विस्फोट ने एहतियाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली में होली, शबे बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थान, मैदान, पार्क या धार्मिक स्थलों पर लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रैंडम चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिन राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, वहां आने वाले यात्रियों की जांच की जाए। देखिए, सरकार कोई भी हो, आम जनता के लिए नियम बनाती है, लेकिन अगर सरकार के मंत्री ही नियमों की धज्जियां उड़ाएं तो क्या किया जाए। जालौन, अमेठी, फतेहपुर, इन तीनों तस्वीरों में आपको कहीं भी कोरोना का खौफ नजर आ रहा है? जवाब होगा नहीं। और ये आम लोग नहीं बल्कि समाज के माननीय हैं जो जिम्मेदार पदों पर हैं। जालौन में यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य खुद बिना मास्क के पहुंचे। मंच साझा करने वाले भी मास्क से बेखबर भीड़ लगाए रहे। अमेठी की तस्वीरें देखिए। मस्ती में झूमकर यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश पासी और बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ फूलों की बारिश कर रहे हैं। इनके चेहरे पर कोरोना की चिंता का नामो निशान तक नहीं है। फतेहपुर में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर किए गए सरकारी कार्यक्रम में आयोजन का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। एक तरफ तो योगी सरकार त्योहारों को लेकर लोगों को सतर्क कर रही है, दूसरी तरफ उनके ही मंत्री और विधायक मुहिम में माचिस लगा रहे हैं। यूपी में होली पर बिना इजाजत किसी भी कार्यक्रम पर रोक है। किसी भी आयोजन में 60 साल से ज्यादा वाले बुजुर्ग या 10 से कम के बच्चों के शामिल होने की मनाही है। गंभीर बीमारी वाले लोगों के भी कार्यक्रम में शामिल होने पर पाबंदी है। 8वीं तक के स्कूल 30 मार्च तक बंद है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और दूसरे राज्यों से आने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट के निर्देश हैं। लेकिन मंत्री और विधायकों के इन कार्यक्रमों को देखकर लगता ही नहीं कि इन्हें कोरोना की खबर भी है। और यही हाल एमपी का भी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है, लेकिन लोग हैं कि मान ही नहीं रहे। दुआ, दवाई, कड़ाई। शिवराज सरकार एमपी में दुआ, दवाई और कड़ाई तीनों का सहारा ले रही है ताकि कोरोना का कहर ना बढ़े, कोरोना दूर हो। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी के साथ मंगलवार रात उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंचे। महाकाल महाराज के चरणों में भी प्रार्थना की है कि उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा उज्जैन पे, मध्य प्रदेश पे, पूरे देश पर बरसे, दुनिया पर बरसे।
हमारे यहाँ कोरोना समाप्त हो। शिवराज की सावधानी की ताकीद खुद उनकी ही पार्टी के नेता नहीं मान रहे। तस्वीरें शिवपुरी की है, जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एसडीएम अंकुर रवि गुप्ता बाजार पहुंचे। दुकान के सामने गोले नहीं बने थे तो उन्होंने दुकानदारों के चालान काटने शुरू किए। इतने में बीजेपी नेता वीरन गोयल पहुंचे और एसडीएम से बहस करने लगे। बात इतनी बढ़ी कि एसडीएम ने उन्हें एफआईआर तक की धमकी दे डाली। हालांकि खुद एसडीएम साहब का मास्क उनके गले में लटक रहा था। इसी तरह एमपी के ही रतलाम की तस्वीरें देखिए। वहां एडिशनल एसपी इंद्रजीत बकरवाल और डीएम लोगों को कोरोना नियम का पालन कराने सड़क पर आए। धान मंडी इलाके में एक ऑटो वाले ने मास्क नहीं लगाया था। डीएम ने समझाया तो वो बहस करने लगा। इतने में एसपी साहब को गुस्सा आ गया और ऑटो वाले को थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि बाद में ऑटो वाले को मास्क पहना कर छोड़ दिया गया। कि होली का त्यौहार आने वाला है, देश में अगले सोमवार को होली खेली जाएगी, लेकिन ब्रज में होली की धूम शुरू हो गई है। जश्न की तस्वीरें हमारे सामने एक सवाल भी खड़ा करती है। पारंपरिक गीतों और रंगों के बीच ब्रज में लठमार होली हुई। बरसाने की लठमार होली की पौराणिक मान्यता है कि द्वारका से श्री कृष्ण के वापस आने पर राधा और उनकी सहेलियों ने गुस्से में श्री कृष्ण को लाठी मारी थी। लठमार होली के दिन बरसाने की गलियों में देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग श्री कृष्ण के रंग में ब्रज के हो जाते हैं। कोरोना की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट बंद होने के कारण इस बार ब्रज में विदेशी पर्यटक होली खेलने नहीं आ सके हैं। इस बार होली भी अलग है और हालात भी। पूरे देश को होली शुरू होने का संदेश देने वाली ब्रज की ये लठमार होली एक खतरे से भी आगाह कर रही है। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लठमार होली में जुटी ये भीड़ बिना मास्क और कोरोना गाइडलाइंस के जुटी है। होली के त्योहार को देखते हुए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। ब्रज की होली में क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी शामिल होते हैं, लेकिन इस बार ये हमें तय करना है कि हम होली मनाएंगे या कोरोना को भगाएंगे। कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।